तो दोस्तों अगर आप भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर वर्ल्ड कप मुकाबला 15 नवंबर को देखना चाहते तो इस वीडियो को लाइक और नीचे में कमेंट में जरूर बता देना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल में, और दोस्तों हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर मुकाबला 15 नवंबर को कैसे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट टेबल में देखें तो तीन टीम ने तो क्वालिफाई कर लिया है, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। पर दोस्तों पॉइंट टेबल में अभी भी चौथे स्थान की दौड़ जारी है। चौथे स्थान में दोस्तों तीन टीम आ सकती है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो दोस्तों अभी मैच जीतकर न्यूजीलैंड के हो गए हैं 10 पॉइंट और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एक एक मैच बाकी है, अगर वो जीती है तो उनके भी हो जाएंगे 10-10 पॉइंट। पर दोस्तों यहाँ पर नेट रन का बहुत ही इजाफा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान को कितने रन से कब मतलब कैसे जीतना पड़ेगा, जैसे कि वो 10 पॉइंट के साथ न्यूजीलैंड से भी उसका रन रेट ज्यादा हो जाए। तो दोस्तों अगर पाकिस्तान बैट फर्स्ट करता है तो दोस्तों उसको 288 रन से जीतना पड़ेगा। इंग्लैंड को 110-120 रन में ऑल आउट करना पड़ेगा अगर 400 रन बनाता है तो, मतलब कि 288 रन से जीतना पड़ेगा। अगर दोस्तों सेकंड बेस्ट करता है और उसका टारगेट रहेगा 250, तो दोस्तों अब यहाँ पर 5.2 ओवर में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 150 का भी टारगेट रहेगा इंग्लैंड ने दिया होगा तब दोस्तों 3.4 ओवर में उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला लगभग इम्पोसिबल है, कोई मिरेकल ही ये करा सकता है। और दोस्तों बात करें अफगानिस्तान की तो दोस्तों अफगानिस्तान को 468 रन से जीतना पड़ेगा, वो लगभग इम्पोसिबल ही है।